देखिए किसानों की हालत, मंडी में भाव नहीं और किसानों के खून पसीने की कमाई। ये किसानों के खून पसीने की कमाई सड़क पर जाती हुई, ये क्या करेगा किसान? सरकार तो किसानों को सिर्फ उनकी लागत का मूल्य ही दे दे वही बहुत है। 2000 की सम्मान निधि, फसल बीमा वगैरह सब किसानों के लिए एक छलावा है। किसान को तो उसकी फसल का सिर्फ वाजिब दाम ही दे दे वही बहुत। ये आज बेमौसम बारिश से किसानों ने प्याज स्टॉक किया था ताकि 4 पैसे ज़्यादा मिले, ये घर में ही बिगड़ने लगे। क्या करेगा किसान बेचारा? 8 दिन पहले मैंने प्याज बेचे थे इंदौर मंडी में, जो 40 क्विंटल प्याज बेचने पर मात्र मेरे को 6000 रुपये मिले, जिसमें किसान की लागत भी नहीं निकल रही। और आज की तारीख में मंडी में 10 रुपये किलो प्याज बिक रहा है। 13 रुपये किलो तो किसान की प्याज पकाने की लागत है और 13 रुपये मंडी में बिक रहा है, तो किसान को तो वैसे भी घाटा हो रहा है प्याज की खेती में। खर्च दुगना बढ़ गया, प्याज 13 रुपये किलो बिक रहा, 13 रुपये किलो तो किसान को प्याज पकाने की लागत ही है, तो कैसे किसान की आय दोगुनी होगी? सरकार बोल रही है कि आय दोगुनी की बात कर रही है, तो कहाँ से दोगुनी होगी किसान की आय? हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं। सरकार जल्द से जल्द निर्यात चालू करे। सरकार बोल रही है निर्यात चल रहा है, तो निर्यात चल रहा है तो प्याज किसान का जा कहाँ जा क्यों है? 8 रुपये किलो क्यों बिक रहा अगर निर्यात चालू है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं।